प्रोजेक्ट के साथ काम करना मेरे लिए एक यादगार अनुभव है और उसके कई कारण हैं, जैसे कि आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के संचालन में पढ़ने का मौका मिला मुझे, और बाकी हम उसमें उस दिन 5 कवि थे और बाकी जो मेरे अलावा 4 कवि थे वो मुझसे बहुत सीनियर, जिनको पढ़ता हूँ, जिनसे सीखता हूँ, उनके साथ मुझे पढ़ने का मौका मिला। आदरणीय ममता किरण जी, आलोक यादव जी, समीप साहब, निश्चल साहब, तो इन सबके साथ पढ़ना, और एक इस वजह से भी खास था कि जब मैत्री प्रोजेक्ट ने कविताएं वो सुनवाएं लोगों को, ये सोचा तो वो उसकी पहली कड़ी थी, जो पहला एपिसोड था उसमें मैं पढ़ने के लिए आया था, तो ये कई वजहों से मेरे लिए खास रहा। और उसके अलावा जो मुझे इस मैत्री प्रोजेक्ट के बारे में, मैच माई टैलेंट के बारे में जो बहुत अच्छी बात लगी वो ये कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। अक्सर ये होता है कि हम लाइव करते हैं, इतने प्रोग्राम्स करते हैं कि एक बार बात हो जाती है फिर सीधा उसी समय पर होता है कि अरे इनकी ऑडियो थोड़ी कम आ रही है या इनका थोड़ा वीडियो देखे। इन लोगों ने एक एक चीज़ के लिए, जब बात हुई तो उसके बाद मुझे मनमीत जी का कॉल आया, वो लगातार टच में थी कि सर ये करेंगे, एक बार ऐसे ट्रायल करेंगे सर, मतलब A to Z सारी जानकारी उन्होंने मुझसे भी ली और उसके बारे में जानकारी दी। फिर उन्होंने कहा कि हम उससे पहले रिक, जो उनके टेक्निकल गाय हैं, उनके साथ पूरा एक ट्रायल करेंगे कि किस तरह होगा, ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। तो मुझे, मैं फिल्म पर्सन हूँ, फिल्म लाइन में हूँ, तो मुझे इस तरह ऑर्गेनाइज्ड लोग जो हैं बड़े पसंद आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और उससे भी कहीं ऊपर जाकर जब मैंने सोनिया जी को सुना, सोनिया चौकसी जो इसकी फाउंडर हैं, बहुत विनम्र और दूसरों को क्रेडिट देने वाली, मतलब उनका शुरू से अंत तक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि बहुत विनम्रता के साथ वो मिलती हैं, बहुत विनम्रता से बात करती हैं, और हर जितने भी हम कवि थे या जब भी मैंने उनके बाकी प्रोग्राम्स भी देखे हैं जिसमें मैं नहीं रहा हूँ, उनका हमेशा ये भाव जो है, जो उनमें धन्यवाद भावना है, थैंक्स कहने की जो उनमें भावना है, वो दूसरे को कहीं ना कहीं बांध लेती है, ऐसा महसूस कराती है कि हम उस परिवार का एक हिस्सा हैं। तो मैत्री प्रोजेक्ट के साथ काम करना मेरे लिए हमेशा यादगार रहा है और रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भी कभी सोनिया जी को, मैत्री प्रोजेक्ट को, मैच माई टैलेंट को जब भी कभी भी ज़रूरत होगी तो मुझे अच्छा लगेगा उनके साथ दोबारा जुड़ना।